थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट काफी सारा है जो दिखने वाला है और हमारे पास जगह काफी कम है। अच्छा, ये वही कोर्ट है हमारा एएसके एक्सप्रेस अडेप्टर या अडॉप्टर क्या पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे उसको, उसी का कोड है। ये सेम कोड है जो लास्ट हमने लिखा था और इसके अंदर हमने एरर हैंडलर बनाया था, लाउंज रिक्वेस्ट हैंडलर बनाया था और हेलो वर्ल्ड इंटेंट हैंडलर बनाया था। ये तीन हमने फंक्शन रखे थे और हमने क्या किया था, ये तीनों फंक्शन उसी तरह से नीचे ऐड किए थे जैसे हम लैम्डा फंक्शन में ऐड करते थे, ठीक है जनाब। और स्लैश वेबहुक पे मैंने ये लगाया हुआ। अच्छा, इसको चेंज करना था, इसको क्या करना था, स्लैश एपीआई /v1/webhook, ठीक है, webhook-alexa, क्योंकि webhook हमारे पास दो होगा, एक डायलॉग फ्लो का भी हो सकता है सेम सर्वर पे। तो ये मैंने इसका URL सेट कर दिया, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ साथ साथ। अच्छा अच्छा एक बात इसमें नोट करने वाली है, ये जो इसको जो एडाप्टर है ना, एक चीज और भी इसमें प्रॉब्लम थी जो मैंने इसको सही किया है कोड में, वो ये था कि ये जो बॉडी पार्सर लगा हुआ है ना हमारा express.json, ये एडॉप्टर के बाद लगेगा क्योंकि एडॉप्टर उसको अंदर खुद से भी पार्स कर रहा है बॉडी को ना। जब मैं चला रहा था तो वो एरर मेरे पास आ रहा था पार्सिंग का, तो ये एडॉप्टर जो है अलेक्सा का, ये खुद से भी बॉडी को पार्स कर रहा है। तो अगर आपने शुरू में बॉडी पार्सर लगा दिया ना, तो वो क्या करेगा, डबल डबल दफा पार्स होने की वजह से एरर करेगा। तो एडॉप्टर जहां पे जिस लाइन पे लगा हुआ है उस लाइन के बाद आपको पार्स करना है बॉडी को, सही है। तो जैसे हम एक्सप्रेस में ये बात जानते हैं कि रिक्वेस्ट जो आती है वो पाइपलाइन की तरह से नीचे गिर रही होती है, मतलब सबसे पहले मिडलवेयर पे जाती है, फिर उसके बाद एक एक करके उसके नीचे वाले मिडलवेयर पे आती है। तो अगर रिक्वेस्ट होगी आपकी API/v1/webhook-alexa, तो वो शुरू में ही हिट हो जाएगा अगर उसको होना होगा, अगर वो नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आते हुए फिर उसके बाद मैंने लाइन नंबर 67 पे आप देखें बॉडी को पार्स कर लिया है और फिर स्लैश प्रोफाइल और ऐसे करके मैंने बाकी के राउट्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने क्या करना है, npm run dev, ठीक है जी, npm run dev से ये सर्वर मेरा लोकल मेरी मशीन पे चल गया और पोर्ट 3000 पे ये इस वक्त चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको स्प्लिट करता हूँ और स्प्लिट करने के बाद मुझे दोबारा इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, cd04 और cd2। इसके ऑर्गेनाइजेशन को मैं चेंज करूंगा, जो फोल्डर ऑर्गेनाइज हुआ है ना ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं चेंज करूंगा थोड़ा बहुत। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ngrok चला देता हूँ। अच्छा, ngrok के लिए बाय द वे मुझे इस फोल्डर में आने की जरूरत नहीं थी, मैं पता नहीं क्यों आ गया। ngrok मैं पूरी मशीन में कहीं पे भी चला, बल्कि उसको बंद करके मैं दोबारा ओपन करता हूँ क्योंकि इसको कहीं पे भी चलाया जा सकता है। मैंने कहा किल टर्मिनल और दोबारा ओपन किया मैंने, इसके लिए मुझे फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है। ngrok स्पेस http:/3000, ठीक है, ये सेम स्टेप जो हम पहले कर रहे थे वही स्टेप हमने अभी भी किया। ठीक है जी, ये हमारे पास वो URL आ चुका है, इसको मैंने कॉपी किया इस URL को और मैं अब कहां जाऊंगा, गूगल क्रोम में जाकर अलेक्सा स्किल किट, एक्सप्रेस में ये बात, ठीक है जी, कंसोल पे जाने के बाद सैलानी के नाम से एक हमने स्किल बनाई थी कल लास्ट में, हमने कहा भाई एक दूसरी बना लेते हैं। अच्छा, एंड पॉइंट पर गया मैं। अच्छा, एंड पॉइंट पे आप देखें पहले से कि यहाँ पे URL लगा हुआ है, बट उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अपना नया URL स्लैश और स्लैश के बाद जो मैंने यहाँ बात लिखी थी ना वो लिखूंगा मैं, ठीक है। सिंपल स्लैश वेबहुक भी रख सकते हैं आप और ऐसे थोड़ा डबल स्लैश हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना तीन ऑप्शन है नीचे ड्रॉप डाउन के अंदर, वो तीन ऑप्शन क्या है कि माई डेवलपमेंट एंड पॉइंट हैज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये वाला ऑप्शन आप कब सेलेक्ट करेंगे, जब डोमेन आपका खुद का हो, यानी डोमेन जैसे अगर मैं sysborg.com पे लगा रहा हूँ ना इसको, मतलब अभी तो ये है ना कि कुछ नंबर है उसके बाद .ngrok.io है, तो ये क्या है, सब डोमेन है किसी एग्जिस्टिंग डोमेन का। मिसाल के तौर पे हरिको पे भी अगर मैं डिप्लॉय कर देता हूँ तो हरिको पे क्या होता है, आपकी ऐप का नाम होता है डॉट और हरिको ऐप डॉट कॉम होता है, तो आपका जो भी ऐप होता है वो हरिको ऐप डॉट कॉम का सब डोमेन होता है। तो ये जब मेरा अपना डोमेन होगा ना
sysborg.com, तो मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा। बाकी सारे केसेस में मैं दरमियान वाला सेलेक्ट करूंगा कि भाई मेरा जो डोमेन है वो किसी एग्जिस्टिंग डोमेन का सब डोमेन, इस केस में भी ठीक है। और थर्ड वाला आप जब सेलेक्ट करेंगे, जब आप खुद अलग से सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं, आमतौर पर होता क्या है कि जब आप डोमेन खरीदते हैं या जब आप जैसे फायरबेस पे होस्ट करते हैं या हरिको पे होस्ट करते हैं और अपना डोमेन भी अगर आप लगा दें, तो उस सूरत में भी क्या करता है वो, हरिको आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके ना पीछे ही मामला सेट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन बहुत रेयर है, जब आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं कभी सिक्योरिटी के, यार मैं अपना सर्टिफिकेट खुद जनरेट करूंगा हरिको में, और सब जगह ऑप्शन होता है, लेकिन उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, बहुत कम यूज होता है। तो थर्ड ऑप्शन बहुत रेयर है, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पहला यूज हो रहा होगा या तो दूसरा यूज हो रहा होगा ठीक है। पहला कब हो रहा होगा, जब आपका खुद का डोमेन हो ठीक है, sysborg.com अगर होगा तो मेरा, यानी sysborg.com/webhook, ये अगर होगा ना तो फिर मेरा पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा ठीक है जनाब। तो खैर दरमियान वाला सेलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, सेव एंड पॉइंट कर देता हूँ। सेव एंड पॉइंट करने के बाद मैं टेस्ट पे जाता हूँ और टेस्ट पे इसको जस्ट हेलो बोल के देखता हूँ कि ये क्या करता है। ओपन सैलानी वेलफेयर, वेलकम, यू कैन से हेलो और हेल्प। ठीक है भाई, ये रिस्पांस आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे इसने लिखा है वेलकम, यू कैन से हेलो और हेल्प, विच वुड यू लाइक टू ट्राई। तो हम इस मैसेज को जरा चेंज कर देते हैं यहाँ पे से, थोड़ा सा लाउंज रिक्वेस्ट में ये बात लिखी हुई है ठीक है। वेलकम मैं कहता हूँ, वेलकम फ्रॉम एक्सप्रेस ठीक है, ये मैं छोटा सा जुमला ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और अब मैं इसको क्या कहता हूँ, रिफ्रेश करके दोबारा से इसको चलाता हूँ, तो मैसेज मेरे पास एक्सप्रेस लिखा आना चाहिए उसमें, ओपन सैलानी वेलफेयर वेलकम फ्रॉम एक्सप्रेस लिखा हुआ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स आया है वो मेरे ही सर्वर से आया, मैंने जस्ट मेक श्योर करने के लिए थोड़ा सा मैसेज को चेंज कर दिया। अच्छा तो ये तो भाई बात हमारी सेट हो गई जी। एनजी रॉक कैसे रन करा है हमने, इंस्टॉलेशन तो समझ आ गई ना एनजी रॉक की। अच्छा मेरे केस में मैंने टोकन वोकन डालना पड़ा क्योंकि वो ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करे तो वो पागल हो जा रहा ठीक है, इसलिए मैंने लॉगिन किया। आमतौर पे मैंने भी पहली दफा लॉगिन किया, हालांकि मैं डेली बेसिस पे एनजी रॉक यूज करता हूँ, लेकिन लॉगिन मैंने पहली दफा ही किया था क्लास में। तो आपको लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, बस आप एनजी रॉक को इंस्टॉल कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से देख के, कहीं यूट्यूब से देख लेना अगर बिल्कुल ही समझ ना आए तो। उसके बाद एनजी रॉक स्पेस HTTP स्पेस आपका जो भी लोकल पोर्ट है, 3000 है 7000 है जो भी है, वो तो वो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक यूआरएल दे देगा वो ठीक है जी, और वो URL आप इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल होगा आपके पास। अच्छा जी तो अब हमें क्या करना है अगला काम, यहां तक का कोड पुश भी हुआ है पहले से आपके पास ठीक है, जस्ट मैंने ये छोटा सा टेक्स्ट चेंज किया, ये आपका पुश नहीं हुआ हुआ, यही कोड एज इट इज आप हरिको पे डिप्लॉय करेंगे तो हरिको का आप लिंक लगा देंगे वहां पर ठीक है। अभी मेरे ख्याल करके देखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, अगर कोई इशू आया तो बताइएगा, इसको करके देखने की जरूरत नहीं है हरिको पे डिप्लॉय करके उसका लिंक लगाने की। अच्छा एक काम करते हैं, MongoDB कनेक्ट करके फिर उसको डिप्लॉय करते हैं सही। तो अब हमारा अगला काम क्या था जो हमने डिस्कस किया हुआ था, कि दो ये दो ही काम रह गए थे लास्ट, कि एक कस्टम एंड पॉइंट लगाना, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया, लास्ट क्लास में ही हो जाता पॉइंट होने की वजह से प्रॉब्लम हुई। अब हम आज की क्लास में इसमें MongoDB कनेक्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपना जो फूड ऑर्डरिंग ऐप है ये इस पे हम बना लें। जाहिर है फूड ऑर्डर जब होगा तो डेटाबेस में उसको सेव करवाना होगा हमें, तो डेटाबेस में उसको हम सेव करवा लेते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि जिस तरह से डेटाबेस मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरह डेटाबेस MongoDB का लैम्डा फंक्शन में भी कनेक्ट कर सकते हो ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो उसमें जस्ट इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है कि package.json में जाके पेस्ट कर दें, आप इंस्टॉल हो जाते हैं ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आप npm i करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा तो हम क्या करते हैं भाई, इसको रोकता हूँ मैं अपने चलते हुए सर्वर को। अच्छा और चलते हुए सर्वर को रोकने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कहता हूँ npm, बल्कि इसकी एक कॉपी बना लेंगे फोल्डर की, एक कॉपी बना लेते हैं क्लास 3 के नाम से ठीक है, कॉपी बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि भाई MongoDB लिख देते हैं इसमें, कस्टम एंडपॉइंट डैश MongoDB ठीक है, ये नाम रख देते हैं इसका। बाकी का कोड सारा वही है, मतलब लास्ट क्लास वाला ही कोड है, बस
क्योंकि लास्ट क्लास वाला कोड सेपरेट हो जाए और आज वाला सेपरेट हो जाए, ताकि मतलब बाद में आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप आपको कोड दिख रहा हो। तो इंक्रीमेंटल वे में हम एक नया फोल्डर बनाकर उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, उस फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पे वो है। मैंने कहा सी डी, अच्छा इसको थ्री करना था ना, टू रह गया, ये थ्री कर देते हैं इसको। ठीक है जी, सी डी थ्री कस्टम एंड पॉइंट डैश मोंगो डीबी। इसमें मैंने कहा npm i mongos, ठीक है जी, mongos हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अच्छा, mongos के अलावा भी लाइब्रेरी मौजूद है जिसके जरिए आप मोंगो डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोंगो डीबी की एक अपनी लाइब्रेरी है जो कि अब वक्त के साथ साथ काफी इम्प्रूव कर गई है। शुरू में उसमें बड़े मसले मसाए थे, लेकिन अब हुआ ये है कि mongos को इतना ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है कि स्टिल जो डेवलपर्स हैं वो mongos को ही प्रेफर करते हैं ओवर मोंगो डीबी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग मोंगो डीबी को कर लेते हैं। अच्छा, mongos का एक बेनिफिट और भी है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, गो के हमने वो फीचर्स इसके इस्तेमाल नहीं किए लेकिन वो उसमें मौजूद है, वैलिडेशन और स्कीमा। ठीक है, मोंगो डीबी की जो अपनी लाइब्रेरी है ना वो बिल्कुल प्लेन है, उसके अंदर ये चीजें एडिशनल फीचर्स ये नहीं है उसमें। तो mongos को लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं खासतौर पे वेब डेवलपर्स, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ना वैलिडेशन बहुत जगहों पे करनी पड़ती है। तो इसमें वैलिडेशन के बिल्ट इन फीचर्स मौजूद हैं, बावजूद इसके कि हमने वो कवर नहीं किया क्लास में, हमने जस्ट स्कीमा बना के उसको आगे किया, हमने लाइब्रेरी लेवल पे उसकी वैलिडेशन नहीं की, लेकिन वो फीचर्स इसमें मौजूद हैं, आप उसको बाद में अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, न्यू यूजर और उसके बाद यूजर के नए सारे डिटेल लिखते हैं, उसके बाद डॉट सेव लगा देते हैं उस पर। तो डॉट सेव से पहले मैं डॉट वैलिडेट लगा सकता हूँ, ठीक है, और वो मुझे वैलिडेशन के प्रॉपर पूरे, जिस तरह हमने जैसे फॉर्मिक होता है, अगर किसी ने रिएक्ट पढ़ी हो तो रिएक्ट में फॉर्मिक करके एक चीज होती है, उसमें यप के नाम से एक लाइब्रेरी होती है, वो वैलिडेटर लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का काम ही वैलिडेशन करना है। तो MongoDB के अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी MongoDB की लाइब्रेरी अपनी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या करना होता है आपको, अलग से जो है यप टाइप की कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी होती है वैलिडेशन के लिए, ठीक है, या यप के अलावा भी दो तीन है जो वैलिडेटर्स हैं। तो इसमें बट क्या है कि इसमें अपना वैलिडेटर मौजूद है mongos के अंदर जो आपको डेटा वैलिडेट कर देता है। खैर, तो ये तो एक इजाफी बात थी जो मैंने जरूरी समझा कि आपको बताऊं। अच्छा जी, तो हम चलते हैं जरा MongoDB वाली क्लास में से जाके हम वो सारा कोड कॉपी कर लेते हैं जो MongoDB का एक बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है, वो तो हमेशा उसी तरह रहता है। अच्छा जी, MongoDB CRUD ऑपरेशन वाले में गया उसमें, और वहां से मैंने क्या किया, ये ऊपर का बॉयलर प्लेट उठा लिया, ठीक है जी, ये कोड हमेशा इसी तरह रहेगा, बस इसका ये URL चेंज होगा, वो हम URL चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, और mongos से रिलेटेड जो भी कोड है वो सारा हमने कॉपी कर लिया, ठीक है जी, और mongos से रिलेटेड क्या कोड है, स्कीमा इसके अंदर एक अदद बना हुआ होगा वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। जो यूजर है ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा वो हाथ क्या थी बना रहा है, सही है। तो अब ये यूजर है, इसकी जगह हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे। तो हमने MongoDB का बॉयलर प्लेट कोड जो है वो कॉपी कर लिया, हम वापस अपने कोड में आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, mongos को ऊपर इम्पोर्ट किया है, उसको कनेक्ट किया है, और उसको एक अदद हमने मॉडल बना दिया है कि यार यूजर अगर क्रिएट होगा तो उसमें ये फीचर होंगे। अच्छा, जैसा कि हमने शुरू में एक दफा जिक्र किया था कि ये जो स्कीमा और मॉडल का जो फीचर है ना, ये वाला, ये mongos का फीचर है। MongoDB के अंदर स्कीमा नहीं होता है, MongoDB को आप जो मर्जी दें वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये नेम है ना, मैं नेम ना दूं उसको तो भी सही है, नेम, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, इसके अलावा मैं फोन नंबर, सब्जेक्ट, फादर नेम जो भी दूं एडिशनली वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड mongos के अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर ना ये लगा सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड है या क्या है, नहीं एडिशनल वैल्यू, तो खैर ये भी एक्सेप्ट करता है, अगर मैं इसको इन तीन वैल्यूज के अलावा कोई चौथी चीज भी दूंगा ना तो ये मना नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा ये भी ना, ठीक है। तो इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह की चीजें ये जो है फीचर, और ये जो मॉडल का जो फीचर है, ये वाला मॉडल का, ये mongos का फीचर है। MongoDB को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता। MongoDB के अंदर क्या है कि आप जस्ट लिखते हैं एक बड़ा सा जेसन और आप कहते हैं इसको भेजो डेटाबेस में, वो बगैर कुछ पूछे डेटाबेस में उसको भेज देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये नॉनसेंस लगती है बात शुरू में, लेकिन ये चीज जरूरी है
बिग डेटा को हैंडल करने के लिए. हमने बिग डेटा को भी डिस्कस किया था एक दफा कि बिग डेटा क्या चीज होती है और जदीद दौर की एक बहुत बड़ी जरूरत है बिग डेटा. तो उस तरह का डेटा अगर आता है तो उसके लिए जरूरी है कि स्कीमा लेस हो, ठीक है, क्योंकि स्कीमा लेस उसकी तीन प्रॉपर्टी में से एक मेजर प्रॉपर्टी है. तो इस वजह से इसको ऐसा जानबूझ के बनाया गया है कि इसका स्कीमा कोई ना हो. अच्छा जी, अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक तो है हमारे पास एरर हैंडलर, एक है लॉन्च रिक्वेस्ट. लॉन्च रिक्वेस्ट के ऊपर आके मैं ये क्या करता हूँ कि कोई एक आमतौर पर मेरी ये प्रैक्टिस रहती है, जब भी मैं चैटबॉट बना के किसी को देता हूँ ना, तो मैंने एक अपना डेटाबेस बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक ट्रिगर लगा देता हूँ. जब भी वो चैटबॉट यूज होता है तो मेरे पास एक ट्रिगर आता है, ठीक है, जैसे अमेरिका ने किया हुआ है. अमेरिका जिसको भी F-16 जहाज बेचता है वो उनके पास एक ट्रिगर रहता है, वो जब भी टेक ऑफ करेगा ना, टेक ऑफ की लोकेशन और जब भी उसमें कुछ फिट किया जाएगा, मतलब उसमें अगर कभी बॉम्ब फिट करेंगे या टेक ऑफ करेंगे, तो टेक ऑफ करते हुए पेलोड उसमें क्या लगा हुआ था, वो डेटा जाता है अमेरिका के पास, ठीक है ना. तो मैं भी अमेरिका वाला काम किया मैंने, मैं जिस भी क्लाइंट को चैटबॉट बना के देता हूँ उसके लॉन्च रिक्वेस्ट के ऊपर ना मैं एक ट्रिगर अपना लगाता हूँ कि वो मेरे डेटाबेस में डेटा है उसका, ठीक है. वो उसको पता नहीं चलता, जाहिर है वो ज्यादातर नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, लेकिन मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होता है कि मुझे डेटा मिल रहा होता है कि मेरी जो बनाया हुआ जो चैटबॉट है वो क्या वाकई कहीं यूज हो रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि स्टार्टअप्स होते हैं वो बनवाते हैं फिर वो उसको क्रैप कर देते हैं. पता नहीं क्या लोगों का वो समझ में नहीं आता, लेकिन 90% क्या होता है, बनवाते हैं उसको यूज ही नहीं हो रहा था प्रोडक्शन में कहीं. तो खैर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उसको देख देख के कि भाई मैंने ये चैटबॉट बनाया था, तो उसका नाम, चैटबॉट का नाम हार्ड कोडेड, और वो IP उसकी क्या है, लोकेशन कहाँ से वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और अगर ईमेल एड्रेस वगैरह है किसी का तो वो भी. तो इस तरह की चीजें मैं लॉन्च रिक्वेस्ट पे कर देता हूँ. तो हम भी क्या करते हैं, लॉन्च रिक्वेस्ट पे एक मैं मॉडल बना देता हूँ, उसका नाम रखते हैं हम यूजेज. यूजेज नाम रख देते हैं. अच्छा, यूजेज में क्या चीज दूंगा मैं, ऐप का नाम, जो भी मेरा चैटबॉट का नाम है, या स्किल नेम इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा. स्किल नेम स्ट्रिंग में कर दिया मैंने, और क्रिएटेड ऑन इसमें कर देते हैं, क्रिएटेड ऑन में एक मोंगोस के अंदर से ही डेट होती है डिफॉल्ट, वो करंट डेट उठा देते हैं, ठीक है जी. तो मैंने इसको क्या कहा कि टाइप डेट, ठीक है, और डिफॉल्ट क्या होगा, डेट डॉट अमाउंट, ठीक है. ये मैं कहां से देखकर लिख रहा हूँ, ये MongoDB की अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मोंगोस की सॉरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है. हाँ, मैं मोंगोस लिखूंगा और साथ में लिखूंगा डेट, तो ये मुझे इस जगह पे लेकर चला जाएगा जहां पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है जी. मैं ये डेट पे चला गया, डेट के अंदर किस तरह से आप बना सकते हैं वो यहां पर बता रहा है. Defaults. अरे क्या हो गया भाई, स्कीमा के अंदर चलते हैं. ये ना, डेट टाइप डेट है और डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ. तो ये इस तरह से एग्जैक्टली मैंने लिखा है. इसमें होगा क्या कि रिकॉर्ड को क्रिएट करते हुए ना डेट नहीं दूंगा मैं, वो डेटाबेस का जो करंट टाइम होगा ना वो उठा लेगा वो. तो उससे क्या होता है कि टाइम हमेशा आपको एक्यूरेट मिल रहा होता है. अच्छा जी, तो मैंने डेट रखवा दिया, स्किल लॉन्च हुई है और डेट मैंने रखवा दिया उसका. अच्छा, और साथ में क्या रखवा देता हूँ मैं, साथ में रखवा देता हूँ इसमें IP भी रखवा सकते हैं, लेकिन IP आपको सिर्फ चार ही मिल सकती है, पांचवा कोई मतलब चार लोकेशन ही आपको मिलेगा. उसका रीजन ये है कि ये जो स्किल है ना, ये जो मेरा सर्वर है, इसको हिट कौन कर रहा है, यूजर डायरेक्ट नहीं कर रहा, इसको अलेक्सा का सर्वर हिट करेगा. अलेक्सा जब बात करेगा तो रिक्वेस्ट आएगी अलेक्सा के सर्वर पे, वहां से रिक्वेस्ट आएगी मेरे यहाँ पर. तो अलेक्सा के टोटल चार ही सर्वर है जो उन्होंने चार लगाया है ना लिंक, तो वो चार लोकेशन में से ही चारों लोकेशन आ रही होती, तो इतना यूजफुल ये अलेक्सा के केस में नहीं रहता, ठीक है. गूगल के केस में उनके थोड़े ज्यादा सर्वर है, 8-10-12 के करीब सर्वर है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा यूजफुल रहता है. तो इसमें हम ये दो चीज ही रखते हैं फिलहाल, ठीक
ठीक है जनाब। अच्छा मैंने कहा यूजेज लाउंज हैंडलर में आता हूं मैं, और हैंडल जो स्पीक आउट है ना मेरा, स्पीक आउट से पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने कहा भाई न्यू यूजेज बार न्यू यूजेज इक्वल टू न्यू और मॉडल का नाम, और जो दो चीजें हैं वो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा स्किल नेम, और स्किल नेम मेरा क्या है, सैलानी स्किल, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्लाइंट का भी मैं नाम लिखता हूँ कि ये मैंने किसको बनाकर दिया, ठीक है, ताकि क्योंकि वो लिस्ट आ रही होती है ना एक रिकॉर्ड में, तो मैं सॉर्ट मारता हूँ तो मुझे पता अच्छा इस क्लाइंट के जो क्योंकि सम टाइम याद नहीं रहता कि इस नाम की स्किल किसको बना के दी थी मैंने, तो क्लाइंट का भी नाम इसमें आमतौर पर मैं लिख रहा होता हूँ। अच्छा और मैंने क्लाइंट का नाम लिख दिया क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम, और क्लाइंट का नेम मैंने लिख दिया सैलानी क्लास, सैलानी क्लास में बनाया क्योंकि उन्होंने। अच्छा और इस पे मैंने कह दिया न्यू यूजेज डॉट सेव। अच्छा यहाँ पे आप नोट कीजिए मैंने कॉल बैक वगैरह कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसका रिस्पांस नहीं चाहिए, वो सक्सेसफुल होता है फेल होता है कुछ भी होता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये स्पीक आउट को आगे करना है, वरना अगर मैंने इस पे कॉल बैक लगाया ना तो उसके फिर सक्सेस और फेलियर को मुझे हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सक्सेस फेलियर कुछ भी हैंडल नहीं किया, बल्कि इवन मैं इसी पे डॉट सेव यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इसी पे मैंने डॉट सेव लगा दिया, ठीक है। अब ये कभी कभी फेल भी हो सकता है, लेकिन मैं फेलियर और सक्सेस को अभी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बस सेव डॉट सेव को कॉल करो और रिस्पॉन्स लेके वापस जाओ, वो इधर होता रहेगा जो यहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा जी ये हो गया जनाब, इसको सेव कर दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को दोबारा से रन कर लेते हैं, npm run dev, सर्वर को दोबारा से रन कर लेते हैं और इस डेटाबेस को ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस डेटाबेस का नाम क्या है, इसका बहरहाल ये कॉपी करके SRV, और इसको मैं जाके कहां पे कनेक्ट करता हूँ, रोबो मोंगो में, रोबो 3D वाली, ठीक है जी। AI क्लास DB कनेक्शन आई थिंक यही वाला है, AI क्लास वाला। अच्छा जैसे ही मेरा कोड रन होगा जो मॉडल मैंने नाम लिखा है ना उस नाम से कलेक्शन आ जानी चाहिए, तो अगर उस नाम से कलेक्शन आई भी होगी तो मतलब ये वही है, ये रहा यूजेज, ठीक है। और जैसे ही मेरा कोड रन होता है ना वो क्या करता है उस नाम से कलेक्शन क्रिएट कर देता है पहले ही शुरू में ही, तो इसका मतलब है ये सही डेटाबेस यही वाला है। अच्छा भाई अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसको पहले तो यूजेज को खोलता हूँ, अभी इस वक्त खाली होगा ये ऑफकोर्स, अभी इस वक्त ये जीरो रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। अब मैं जाके इसको लॉन्च करता हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं लॉन्च करूंगा तो उसमें एक अदद रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफा, और मैं कहता हूँ कि भाई ओपन सैलानी वेलफेयर, ठीक है भाई। मुझे यहाँ पे आ गया कि वेलकम फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ से भी रिस्पॉन्स चला गया। अब मेरे डेटाबेस में ना एक अदद रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, एक अदद रिकॉर्ड आ गया, ठीक है जी। स्किल नेम सैलानी स्किल और क्लाइंट नेम सैलानी क्लास, ये मैं एक ट्रिगर हमेशा लगाता हूँ, ये मेरी आदत है, और इसके लिए मैंने एक अलग से डेटाबेस बनाया था। अच्छा तो ये तो मेरा डेटाबेस का जो कनेक्शन था वेरीफाई हो गया कि कनेक्टेड है मेरा डेटाबेस और उसमें रिकॉर्ड जा भी रहा है। अच्छा अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम ये करना है कि भाई चूंकि ये फूड ऑर्डरिंग स्किल है तो इसमें अब मुझे वो वाले इंटेंट्स बनाने हैं जो हमें फूड ऑर्डर में चाहिए होते हैं। अच्छा तो सबसे पहला इंटेंट कौन बताएगा कि फूड ऑर्डरिंग स्किल में क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो बंदा जब हाय हेलो करे उससे लाउंज जब करे तो वो उसको बताएगा यार रेस्टोरेंट का नाम कि वेलकम टू फला फला रेस्टोरेंट और आई एम योर AI असिस्टेंट जो भी, और यू कैन आस्क मी फॉर ऑर्डर, और ये इस तरह की बातें वो बोले, वो लाउंज में मैं एडिट करूंगा ना उसको, हाँ लाइन चेंज करता है ना। अच्छा यही तो असल, देखो
वॉइस एप्लीकेशन में ना असल चक्कर सारा यही है, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी फोर मैक्सिम्स वाली वो क्या था, वो यही तो था, क्योंकि सिर्फ चैटबॉट बना देना मसले का नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा इसमें ख्याल नहीं किया ना उसका तो वो तंग हो जाएगा, क्लाइंट भी यूज करने वाला भी तंग होता है। अच्छा तो बताओ भाई, वेलकम सबसे पहले, और नहीं सैलानी रेस्टोरेंट नहीं करते हैं वो, तो इन्वोकेशन चेंज कर देंगे बाद में, कोई नाम बताओ। अच्छा भाई दबे, हमें एक ऐप बनानी है सैलानी की, फाइनल जो होगा ना हमारा प्रोजेक्ट उसमें सैलानी को हमें एक ऐप बनाकर देनी है, और ऐसी देनी है जो सैलानी यूज करेगा, वो पब्लिश होगी सैलानी के नाम से। अभी तक क्योंकि अलेक्सा पे और गूगल असिस्टेंट पे सैलानी की कोई ऐप नहीं है, तो कम से कम एक, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम तीन चार ऐप हम इनको बनाकर दें। एक ब्लड डोनेशन वाली है वो हम बना दें, या एक ही ऐप हो उसमें फीचर सारे दो तीन लोग मिलके बनाए उसको। तो अभी से ना आप सब लोग ये सोचना शुरू कर दें कि सैलानी में कौन सी ऐसी ऐप है जो अलेक्सा पे उसकी होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी ऐप सैलानी की हो सकती है, या आप सैलानी की वेबसाइट विजिट कीजिएगा उस पर उन्होंने क्या क्या किया हुआ, और सैलानी की पूरी सपोर्ट होगी हमारे साथ। आप अगर इवन सैलानी का कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा तो वो यहाँ हमारे साथ टाइम देगा, बैठेगा भाई आगे और वो हमें पूरा ब्रीफ करेगा। अभी इनका जो हैकाथॉन हुआ था वेब वालों का, उसमें इन्होंने खाना सबके लिए करके एक ऐप बनाई, वो क्या होता है उसका बात निकल गई है तो इसलिए बता रहा हूँ कि सैलानी ने ना रोटी बैंक बनाया है जगह जगह पे कराची शहर में और दूसरे शहरों में भी। अब रोटी बैंक में क्या होता है कि वहां पे डिस्पोजेबल पैकेट्स हैं, उस पैकेट में क्या होता है एक बंदे की सर्विंग का खाना होता है, रोटी होती है साथ में कुछ सालन होता है उसके या कोई दूसरी चीज, या समटाइम्स सैंडविचेस होते हैं उस बॉक्स में, कुछ इस तरह की चीज होती है, एक बंदे की सर्विंग वाला आइटम होता है। अब उसका पर्पस क्या है कि कोई अगर मुसाफिर है तो वो वहां से जाके ना खाना लेके खा सकते हैं। ये इन्होंने कोविड वगैरह के टाइम पे स्टार्ट किया था, जब क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग ट्रक अड्डे पे फंस गए थे, उस टाइम पे ये स्टार्ट किया था, वैसे तो था पहले से लेकिन ऑर्गेनाइज ये उस वक्त हुआ है कि अच्छा यार ये ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो कराची से कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, या कुछ लोग दो दिन चार दिन के लिए कराची आए हुए थे पेशावर वगैरह से और इस्लामाबाद से कश्मीर से, गरीब लोग हैं बेचारे सारे, तो दो दिन के लिए आए थे वो वापस नहीं जा पा रहे, उनके पास पैसे भी नहीं है जो यहाँ होटल में रहे, होटल में रहने भी कोई नहीं दे रहा था, तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तो फिर उनको सैलानी ने ट्रक अड्डे पे जाके ये खाना वाना प्रोवाइड किया था, बड़ा जबरदस्त काम किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम से ये काफी ऑर्गेनाइज हो गया रोटी बैंक। अब इनका प्रॉब्लम ये है रोटी बैंक का कि एक तो जो बंदा आ सकता है बैंक तक उसके लिए तो मसला नहीं है, वो तो आगे लेके चला जाएगा। अच्छा फिर कुछ घर ऐसे हैं जो लोग बड़े सफेद पोश हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और कोविड की वजह से जो आमदनी के जराये थे वो सारे बंद हो चुके थे, तो उसको इन्होंने कार्ड बनाकर दिए थे ऐसे लोगों को कि भाई आप डेली बेसिस पे यहाँ पे आए और आप चार लोगों का खाना लेकर चले, ठीक है, एक खातून है तीन बच्चे हैं चार लोग हैं घर में, तो वो चार लोगों का खाना वो कार्ड दिखाएं और लेकर चले। अच्छा अब मसला ये है कि उन तक बात पहुंचाए कौन, मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि ये लोग मुस्तहिक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँ रोटी बैंक, वो जाना भी नहीं चाह रहे कि नहीं यार हम तो जाए। तो सैलानी ने फिर कहा कि हम वो एक बार आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा दें, हम बाइकर घर पे भेजेंगे, राइडर वो घर पे देकर आएगा। अच्छा तो उसी को सपोर्ट करने के लिए ऐप बनाई गई है जो इन्होंने अभी हैकाथॉन में बनाई है। उसमें क्या होगा कि जो बंदा खुद जो मुस्तहिक है या कोई दूसरा बंदा जैसे मैं या आप, उनके बिहाफ पे उस ऐप को खोलें, फॉर्म फिल कर दें, गूगल फॉर्म की तरह है, मोर लाइक गूगल फॉर्म, बट एक उसका रियल लाइफ यूज केस है। अब गूगल फॉर्म में बहुत सारी चीजें ना नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पे अगर आप फोटो अपलोड करते हैं तो वो फोल्डर एक फोल्डर में भेज देता है, आप उसको सीधा खोलते हैं ना नजर ही नहीं आता, वो फोल्डर में चला जाता है, उनका एक अपना एक क्राइटेरिया जाहिर है, वो जर्नलाइज ऐप है वो, लेकिन ये क्या है कस्टमाइज ऐप है, इसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन मारते जाते हैं अपलोड करते जाते हैं, नाम लिखते हैं एनआईसी नंबर लिखते हैं, इस तरह की दो चार डिटेल्स हैं उनका, जो लोकेशन है वो जहां पे आप खड़े हुए होते हैं आप करंट लोकेशन करते हैं, वहां की लोकेशन आती है, ओके ओके करते हैं, नेक्स्ट खत्म। अब वो एप्लीकेशन चली जाती है, उसका एक वेब पोर्टल है वो भी इन्होंने बनाया है, वेब पोर्टल पे क्या होता है उसको वो एप्लीकेशन दिख जाती है कि भाई ये एप्लीकेशन आई है, वो देखता है कवायद चेक करता है, अब जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको अप्रूव करने का वो उसको अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव जैसे ही करते हैं तो वो मोबाइल ऐप में उसी वक्त जैसे एडमिट कार्ड प्रिंट होकर आया था आप लोगों का, ऐसे एडमिट कार्ड की तरह एक कार्ड प्रिंट होकर आया था,
उसमें QR कोड लगा हुआ होता है उस कार्ड में। अब बंदा कुछ भी नहीं करेगा, बंदा यहाँ से जाएगा रोटी बैंक में, किसी से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो कार्ड स्कैन करेगा ठक्कर में और सामने बैठे हुए बंदे की स्क्रीन पे दिख जाना, एडमिन पोर्टल पे उस पर दिख जाना चाहिए कि चार बंदों का इसको देना है खाना। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि कोई डबल भी लेके नहीं जा सकता, मतलब कार्ड एक बार स्कैन हो गया आज दोपहर को तो अब वो रात को ही स्कैन होगा दोबारा, वो दोबारा से स्कैन दोपहर को नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चार बंदों का ही उसको मिलेगा जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है। फिर उस कार्ड की एक वैलिडिटी होगी क्योंकि उसमें वो कमेंट्स करेगा कि भाई मेरी जॉब खत्म हो गई है कोविड की वजह से, तो कोविड जब तक है वो जब तक कार्ड वैलिड रहेगा, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए उसको वो कार्ड दे दिया जाएगा कि उसके बाद फिर वो स्कैन होना बंद हो जाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि भाई मेरा मसला अभी तक हल नहीं हुआ, इस कार्ड को मेरा दोबारा एक्टिवेट कर दिया। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम हो गया, ये गूगल फॉर्म में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी ऑफकोर्स। तो हमें भी क्या करना है, इस तरह की वॉइस एप्लीकेशन बनानी है सैलानी के लिए जो सैलानी रियल अपने यूज केसेस में उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। मे बी हम खाना सबके लिए भी बना सकते हैं ये वाला, हम उनसे API मांग लें और बंदा यहाँ पे लॉग इन करे और बंदा अपनी वो ID बताए और वो उसको ये बता दें कि आपका कार्ड कितने दिन में एक्सपायर होगा, मे बी या आपके कार्ड पे कितने लोगों का खाना अवेलेबल है या जो भी एक्सपायर है। तो ये सोचने की बात है, ये अभी से आप सोचना शुरू करें सारे लोग। अच्छा, और जो गजाल भाई है उनका पर्सनली मैसेज आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था कि भाई हमें इस तरह का बनवाना है, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मतलब मुझे नहीं आप लोगों को, मतलब आप लोगों के बारे में कह रहे थे कि बच्चों को इस हवाले से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो सैलानी के जिस भी, क्योंकि सैलानी के 60 शोबे जा रहे हैं, 60 डिपार्टमेंट्स अलग अलग, तो किसी भी डिपार्टमेंट के से रिलेटेड अगर आप बनाना चाह रहे हैं ना ऐप, तो उस डिपार्टमेंट का बंदा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या आपको टाइम बता दिया जाएगा कि आप उनके पास जाके बैठे, उनसे जो भी डिटेल चाहिए जो भी मालूमात चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये फैसिलिटी नहीं होती, अगर आप यूनिवर्सिटी में बोलेंगे ना कि लाइब्रेरियन से मुझे ये डेटा चाहिए तो लाइब्रेरियन पहले तो सोचेगा यार मेरी नौकरी ना चली जाए, ये सॉफ्टवेयर बना देगा मेरा क्या होगा, ठीक है, तो आपको वैसे ही डेटा नहीं देगा। दूसरा ये है कि आप जब प्रिंसिपल के पास जाएंगे ना परमिशन लेने के लिए, तो प्रिंसिपल भी ना थोड़ा सर को जाएंगे, कहेंगे यार पता नहीं क्या पूछने आ गया ये बंदा ना, मतलब इतना आपको लिफ्ट भी नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद से ये कहा क्योंकि इस चीज को सैलानी में, क्योंकि वॉइस एप्लीकेशन जो है ना अभी इस वक्त कोई भी उस पर काम नहीं करता, तो सैलानी की अगर वॉइस एप्लीकेशन बन जाती है और वो मार्केट में वाकई इस्तेमाल हो जाती है तो सैलानी भी वॉइस ऐप में चैंपियन हो जाएगा, सबसे टॉप पे हो जाएगा, ठीक है। उससे बेनिफिट आपका क्या होगा, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू ऐसे बढ़ जाएगी कि ये उस इदारे का सर्टिफिकेट है जो वॉइस एप्लीकेशन अपने प्रोडक्ट के तौर पर अपने पास इस्तेमाल करती है, उस इदारे का ही सर्टिफिकेट है, ठीक है। फिर दूसरी है आपका पोर्टफोलियो और दूसरी चीजें वो तो है ही सपोर्टिंग में, लेकिन ये अभी से सोचना शुरू करें। अच्छा जी, तो वेलकम टू, कोई मशहूर रेस्टोरेंट का नाम बताओ ना। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताओ। सेकंड वाइफ, अबे फर्स्ट वाइफ तो कर लो पहले, सेकंड वाइफ। अच्छा, हम इसमें यार क्या लिखे यार, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट सुनो। कबाब चीज ज्यादा लोग कह रहे हैं तो कबाब चीज लिख देता, ठीक है। कबाब जी, वेलकम टू कबाब जी। अब इसमें होना तो ये चाहिए था कि मैं SSML पूरा लगाऊं, लेकिन अब थोड़ा जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम इसमें SSML ऐड करते हैं, इसके बिहेवियर जो भी जिस तरह बोल रहा है उसको देखते हुए। अच्छा भाई, यू कैन से हेलो और हाय, वो तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, वेलकम टू कबाब जी, और यू कैन आस्क फॉर मेन्यू, ठीक है जी, यू कैन आस्क फॉर मेन्यू, बस यही होगा आई थिंक, और कुछ होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट, आई एम एन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट। नहीं, ये बोलने में थोड़ा सा होगा ना, ये अभी देखने में लंबा सा लग रहा है।
मैंने मुझे लग रहा है स्पेलिंग मैं स्पेलिंग तो बड़ा बैड हूँ यार स्पेलिंग जो है ना मेरे से नहीं होती कोई अच्छा आई एम योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट ज्यादा बेहतर वर्ड होगा I'm your virtual assistant. You can ask me for the menu. ठीक है जी अच्छा अब मुझे क्या करना है एक तो ये स्पीक आउट हो गया और एक मेरा रीप्रॉम्प्ट होगा रीप्रॉम्प्ट क्या चीज होती है कौन बता सकता है रीप्रॉम्प्ट क्या होता है कि 8 सेकंड वेट करने के बाद ये पूछेगा दोबारा से ठीक है तो मैं इसके अंदर ये वेलकम हटा देता हूँ मैं इसको कहता हूँ आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट यू कैन आस्क मी फॉर द मेन्यू ठीक है अच्छा असिस्टेंट के बाद मैं एक डॉट लगा देता हूँ ताकि वहां पे थोड़ा रुके डॉट लगा दो मेरी स्क्रीन कंट्रोल करनी है सेव कर दिया अच्छा जी इतना काम तो हो गया अच्छा सिंपल कार्ड भी एक साथ में ये भेज रहा है तो कार्ड में भी कुछ लिखा हुआ भेज देते हैं कार्ड में हम क्या लिखा हुआ भेज देते हैं हाँ कबाब जी में एस है कबाब जीज है कबाब जीज और उसके बाद स्पीक आउट में जो बात लिखी हुई है वो वाली बात लिख दी सही है जनाब अच्छा भाई अब तो ये एक अदद तो ये काम हो गया हमारा अब दूसरा इंटेंट हमें चाहिए कि प्लीज गिव मी मेन्यू अच्छा मेन्यू में अभी हम रखते हैं 4 डिशेस या 5 रख देते हैं जल्द अच्छा उन डिशेस के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा उन डिशेस का नाम जाहिर है मुझे लगाना पड़ेगा उसमें जो मेरा कहां गया वो इंटरेक्शन मॉडल स्लॉट्स मुझे उन सारे डिशेस का नाम क्या करना पड़ेगा स्लॉट्स में डालना पड़ेगा अच्छा तो डिशेस का नाम जो है वो बिल्ट इन स्लॉट टाइप तो नहीं है तो मुझे एक स्लॉट टाइप पहले बनानी पड़ेगी और उससे फिर मैं स्लॉट बना पाऊंगा अच्छा तो स्लॉट टाइप सबसे पहले मैं बना देता हूं इसका नाम क्या होगा डिशेस डिशेस होगा ना 4-5 डिशेस है हमारे टोटल तो वो मेन्यू में क्या करेगा वो 5 डिशेस बोल के बता देगा भाई ये हमारे पास है 5ों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो अच्छा जी हाँ अभी पहले मेन्यू तो बोले मतलब डिशेस होंगी तो कार्ट में ऐड होंगी ना तो डिशेस तो पहले बना देना अच्छा बताओ भाई कौन कौन सी डिशेस होती हैं कबाब जी इसके पास सबसे पहले तो बीफ कबाब सही है अच्छा एक हमने कह दिया मटन कबाब ठीक है 2 हमने कबाब रख दिए कबाब ही होते हैं ज्यादातर उनके पास और बताओ यार कबाब वाले सारे डिशेस बताओ सही है ना ताकि 5 रेशमी कबाब सही है चिकन रेशमी कबाब बोलिए चिकन रेशमी कबाब सही है जी चिकन रेशमी कबाब हो गया और बताओ गोला कबाब गोला कबाब अच्छा जी गोला कबाब हो गया सीख कबाब दाल वाला अच्छा भाई तो अब मेरे पास जो है ना ये 5 अगर डिशेस आ गई हैं अब इसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिशेस डाल सकते हैं मतलब अनलिमिटेड तो नहीं इनकी एक लिमिट होती है पता नहीं 50,000 की या पता नहीं कितने की लिमिट होती है तो वो उतनी आप डाल सकते हैं गूगल डायलॉग फ्लो में 50,000 की लिमिट है अलेक्सा में भी देख लेते हैं कितनी लिमिट है मैक्स नंबर ऑफ स्लॉट्स अलेक्सा इसमें भी इतनी होगी कोई 50,000 है ये रहा 50,000 ठीक है भाई दोनों में 50,000 है गूगल डायलॉग फ्लो में भी और अलेक्सा में भी तो इसमें जो एक स्लॉट की टाइप है ना उसके अंदर 50,000 चीजें आप डाल सकते हैं अभी हमने कितनी डाली है सिर्फ 5 तो इसमें जितनी डिशेस हैं आप सारी डाल दें कोई मसला नहीं है अच्छा अब इन डिशेस के ना आपको सिनोनियम लिखना है
सनोनियम लिखना जो है ना बहुत अहम काम है। अच्छा सनोनियम कैसे लिखेंगे आप? एक तो ये जो सीख कबाब लिखा हुआ है ना, ये तो आपने बोल दिया एक तो। अब मसला ये है कि जब वॉइस पे बंदा ये सीख कबाब बोलेगा ना, तो सम टाइम वो क्या पढ़ेगा? सिख, सिख कबाब, वो सिख जो ऐसे सिख वाले होते हैं, ठीक है। अब इस काम को करने का मेरा जो तरीका है वो क्या है? वो ये है कि मैं जाता हूँ अलेक्सा के ऊपर और उसको बोलता हूँ, वो जो पकड़ रहा होता है ना वो सनोनियम में डाल देता हूँ, सही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सीख कबाब उससे हम 10-12 दफा हम कहेंगे कि भाई गिव मी सीख कबाब, डू यू नो व्हाट इज सीख कबाब, ऐसे करके हम 4-5 दफा बोलेंगे, जो जो स्पेलिंग पकड़ेगा ना वो सारी हम सनोनियम में उठा के डाल देंगे। आसान है, आ जाओ भाई। अच्छा भाई, Do you know what is seekh kebab? अभी मैं चेक कर रहा हूँ ना बोल के। Sorry, I had trouble. अच्छा ये बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा। Please try again. Do you know what is seekh kebab? अच्छा हम by the way अंग्रेजी में बना रहे हैं अपनी स्किल को, तो अंग्रेजी की स्किल जब होती है ना तो ये रेकमेंडेड होता है कि आपका जो स्लॉट हो ना वो सब अंग्रेजी लैंग्वेज का हिस्सा हो, ठीक है, अदरवाइज उसको ये वाले प्रॉब्लम आएंगे। अच्छा इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं कोई दूसरा ट्राई करूं इसमें से, अगर बीफ कबाब आई थिंक सबसे सही लग रहा है मुझे, आसान। डू यू नो व्हाट इज बीफ कबाब? सॉरी बीफ कबाब इसने पकड़ा है के ई बी ए बी, सही है, के ई कीबाब। तो हम इसको क्या कर देते हैं, बीफ कीबाब को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम बीफ का बाद जो है ना जो भी हमारा उसके साथ सनोनियम ऐड कर देते हैं, बीफ की बाब, ये कबाब नहीं है की बाब। अभी अभी करते हैं ना, यही तो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है थोड़ा, लेकिन कर लेते हैं। अच्छा साथ में इसके मैं क्या लगा देता हूँ, साथ में इसके मैं लगा देता हूँ सनोनियम वन। अरे ये क्या हुआ? अच्छा सनोनियम में लगा देता हूँ वन और साथ में लगा देता हूँ ओ एन ई वन, सही है कि वन बोले तो भी वो बीफ कबाब समझे, क्योंकि सम टाइम आपके पास लिस्ट आ रही होती है तो आप कहते हैं फर्स्ट वन या सेकंड वन, थ्री या डिशेस का आप नंबर रख सकते हैं कि यार डिश नंबर वन इज दिस, डिश नंबर टू इज दिस, डिश नंबर थ्री इज दिस, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 1 2 3 4 करके भी बोले। तो आप अगर ये वाली बात पूछी जा रही है और अगर आपने कहा ना वन तो भी ये क्या पकड़ेगा, बीफ कबाब, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आईवीआर में भी इसी तरह हो रहा होता है कि भाई वन प्रेस करें, टू प्रेस करें, थ्री प्रेस करें, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें रख रहे हैं कि बीफ कबाब भी बोले तो भी सही है और अगर वो वन बोल दें तो भी एक ही बात है। अच्छा अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, सेकंड वाला क्या है, मटन कबाब। गिव मी सम मटन कबाब, मटन कबाब को भी उसने मटन की बाब पकड़ा है, सही है। तो मटन की बाब में इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे, सही है, और साथ में क्या लगा देता हूँ, टू और टी डब्ल्यू और टू भी लगा देता हूँ, ठीक है जनाब। अब चिकन रेशमी कबाब की बारी है, गिव मी वन प्लेट चिकन रेशमी कबाब। अच्छा चिकन रेशमी कबाब में ना इसने सी ए बी ए एस पकड़ा है, कबास, कबास भी पकड़ा इसने, सही है, हाँ प्लेट। अच्छा जब इतना लंबा होता है ना तो हम क्या करते हैं, एक तो मैंने ये जो एग्जैक्टली उसने बोला था वो लगा दिया, चिकन रेशमी अच्छे से पकड़ रहा है तो मैं सिर्फ चिकन रेशमी भी इसमें लगा सकता हूँ, कि अगर कबाब उसको ना भी पता चले ना, सिर्फ चिकन रेशमी भी समझ जाए तो उसका मतलब, क्योंकि चिकन रेशमी के नाम से और तो कुछ है नहीं, हाँ अभी नहीं है ना फिलहाल, जब होगी तो फिर मसला है, अभी नहीं है लेकिन, तो अभी हमने चिकन रेशमी पे भी लगा दिया। अच्छा अभी चिकन का और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो हम सिर्फ चिकन भी लगा सकते हैं, सिर्फ रेशमी भी बोल सकते हैं या रेशमी के ई बी ए बी की बात। तो ये हमने सेलोनियम इस तरह से सेट किए कि अब वो चिकन रेशमी कबाब को किसी भी तरह से बोले तो वो उसको समझ जाना चाहिए, क्योंकि 5 डिशेस हैं तो हम काफी आसानी से ये काम कर पा रहे हैं। जब ये 5 से ज्यादा होती हैं तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं एक्सेल की शीट बनाता हूँ और एक्सेल की शीट में फॉर्मूला के जरिए मैं ये इसमें चेक लगा देता हूँ कि किसी भी चीज में ना डुप्लीकेट हो तो उसको फॉरन रेड कर देता है, ठीक है। ये आप आसानी से गूगल कर सकते हैं कि डुप्लीकेट कैसे फाइंड होता है एक्सेल की शीट में, तो मैं ये काम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करता,
मैं एक्सेल की शीट में लिखता हूँ पहले, तो उसमें कोई भी डुप्लीकेट अगर होता है ना तो फौरन उसको राइट कर देता हूँ, और जब एक बार वो लिख लूंगा तो वहां से कॉपी मार के यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, या वहां से कॉपी करके जेसन में भी पेस्ट कर सकता हूँ मेरे पास, क्योंकि जेसन भी है ना इसका, जेसन एडिटर, तो जब कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो जेसन एडिटर में ज्यादा आसानी रहती है, वरना आमतौर पर क्या होता है इसमें पेस्ट करूँ ना तो वो पूरी लाइन को एक एंटिटी समझ लेता है, तो ये प्रॉब्लम तो एक एक करके उठाना पड़ता है। तो इस केस में भी मैं जेसन एडिटर की मदद ले सकता हूँ, जेसन एडिटर में जाके एक्सेल शीट से जो मैंने कॉपी किया पूरा वो एक साथ पेस्ट कर सकता है। अच्छा जी, तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 3B लगा देता हूँ और THRE3B लगा देता हूँ, डिश नंबर 3 मेरी। अच्छा भाई ये हो गया गोला कबाब, गोला कबाब में मुझे एक चीज तो पता है, गोला KEBAB कबाब ये पकड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा ये 4 है और FOUR4 भी लगा दिया मैंने इसमें। गोला कबाब अब एक दफा बोल के देखते हैं कि गोला कबाब को वो कैसे बोल रहा है। गिव मी सम गोला कबाब, बिल्कुल ही नहीं पकड़ पाया। I had trouble doing what you asked. Please try again. Give me one plate gola kebab. Sorry, I had trouble doing what you asked. अच्छा गोला को ना इसने GOLLA पकड़ा है, गोला और कीबाब, ठीक है, तो मैं ये गोला कीबाब को ना इस तरह से उठा लेता हूँ, प्लेट नहीं पकड़ पा रहा हूँ, खैर है मसला नहीं है। अच्छा अब ये मैंने उर्दू वाले नामों का इंतखाब क्यों किया, मैंने इसी वजह से किया कि अगर इसमें अंग्रेजी नाम होगा ना, जैसे फ्रेंच टोस्ट है, जैसे कोई सुशी है, इस तरह की अगर डिशेस में रखूंगा ना तो वो तो अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, उसको तो सीधा सीधा पकड़ेगा वो, लेकिन आमतौर पर हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि उर्दू के भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे जो फूड ऑर्डर की मैंने रिसेंटली ऐप बनाई है वो चल रही है दुबई में, वो है इंग्लिश में पूरी, लेकिन जाहिर है इंडियन रेस्टोरेंट है तो उसकी डिशेस सारी इंडियन, ठीक है, तो उसमें ये वाली चीज सेम उसमें भी मुझे करनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी का पार्ट नहीं होती, तो उसमें मैं ये काम करना पड़ता है कि साथ में 1 2 3 भी लगाता जा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, जो वॉइस पकड़ रहा है ना कंप्यूटर मेरा, मैं वो वॉइस की स्पेलिंग उसमें लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर थोड़ा सा वो गलत भी पकड़े तो मेरी एंटिटी एटलीस्ट हिट हो जाए। अच्छा जी अब पांचवा और आखिरी रह चुका है मेरा सीख कबाब, ठीक है, इसमें सिख तो पकड़ेगा ही। गिव मी वन प्लेट सीख कबाब। अच्छा इसको ना इसने सियर कबाब पकड़ा, ठीक है, तो मैं सियर कबाब पहले तो उठा लेता हूँ एक अदद, और मैं इसको कह देता हूँ कि 5 है ये और FIVE 5 है ये, ठीक है जी। इसके अलावा एक दफा मैं और ट्राई कर लेता हूँ, अभी तो मैं एक एक दफा कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर आपको जब प्रोडक्शन में आप कर रहे होते हैं तो आपको एक ही डिश को कम से कम 20-20 दफा आपको करना पड़ता है ताकि वो सारी पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है। अच्छा जी डू यू हैव सीख कबाब इन योर मेन्यू। अब इसने पकड़ा है सील कबाब, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, तो सीख से मिलता जुलता जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे ना वो सील कबाब ये इसने पकड़ा है इस दफा, ठीक है। आई वॉन्ट सीख कबाब इन माई डिनर। अच्छा आप नोट कीजिए मैं जुमला बोल रहा हूँ ना थोड़ा कॉन्टेक्चुअल जुमला बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी स्पीच रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर है ना वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तर्जुमा करते हैं, मतलब पकड़ते हैं उसको। आई वॉन्ट सियर कबाब इन माई डिनर। अब अगर मैं ये डिनर जो साथ में मैं बोल रहा हूँ ना इसकी वजह से क्या होता है वो पूरे जुमले को कॉन्टेक्स्ट में लेता है कि डिनर का बात हो रही है तो मतलब कुछ फूड की बात हो सकती है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सीख कबाब बोलूंगा तो वो कुछ और पकड़ेगा, मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलूंगा तो कुछ और पकड़ेगा। ये हर इस वक्त जितने भी गूगल असिस्टेंट है आपका जो स्पीच API गूगल की है जो सिर्फ स्पीच API अलहदा से और गूगल असिस्टेंट के अंदर जो बोल रहे होते हैं आप या कीबोर्ड में भी आजकल वॉइस का फीचर है कीबोर्ड में आप दबा के तो सब जगह पे जो लगा हुआ है ना स्पीच रिकग्निशन वो सब यही वाला है कॉन्टेक्चुअल है। अच्छा भाई एक दफा और हम और ट्राई करते हैं, सियर कबाब हम लगा चुके हैं इसमें ना, हाँ सियर कबाब हम लगा चुके हैं। अच्छा भाई गिव मी सीख कबाब। गिव मी सिरप, सही है सिरप भी लगा देते हैं।
अब जो जो ये पकड़ता जा रहे हैं ना सब लगा दूंगा मैं इसमें। सीख कबाब, अच्छा सीख कबाब सिर्फ बोला तो हाय समझे। सीख कबाब, अच्छा अभी आप एक चीज नोट करें, ये जो सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ ना ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप नोट कीजिए, मैंने वो एंटिटी बना के ना अपने उसको मॉडल को बिल्ड नहीं किया है, ये मैं बगैर बिल्ड किए बना रहा हूँ, ठीक है, ये बगैर बिल्ड किए मैं उसको बोल रहा हूँ। एक दफा मैं उसको बिल्ड कर दूंगा ना अगर, तो फिर क्या होगा, ये वाले जो मैंने जुमले ऐड किए ना वो अपनी डिक्शनरी में इसको भी ऐड कर लेगा, समझ रहे हैं आप, वो अपनी डिक्शनरी में इन जुमलों को भी ऐड कर लेगा। तो उसके बाद भी हमें एक टेस्टिंग करनी होती है कि इसके बाद अगर ये सही सही पकड़ रहा है ना तो ये सीरप और ये सील ये सब हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये पहले मैंने बिल्कुल जनरल पे किया है कि मतलब उसके पास कोई डेटा नहीं है कि मैं क्या बोलूंगा, उसको ये डेटा नहीं पता, ठीक है। तो मैंने चेक करके ये सारा इकट्ठा किया है कि भाई ये बात वो बोल सकता है। अच्छा इसको मैं एक दफा बिल्ड करने के बाद ना ये सारी बात मैं दोबारा पूछूंगा इससे, समझ रहे हो, क्योंकि एंटिटी जब एक बार क्रिएट हो जाएगी ना, ये स्लॉट एंटिटी कह रहा हूँ, सॉरी एंटिटी इसको डायलॉग फ्लो में कहते हैं, तो ये स्लॉट जब एक बार कर दूंगा ना मैं क्रिएट, और उसके बाद जब मैं बिल्ड का बटन दबा दूंगा तो ये मेरी स्पीच रिकग्निशन में इन जुमलों को भी शामिल हाल रखेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको करने के बाद ये बिल्कुल सही सही पकड़ रहा हूँ, तो फिर मुझे ये जो एडिशनल चीजें लगाई है उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं अपने पास एक्सेल की शीट पे इसको रखता हूँ साथ में, ठीक है, कि सम टाइम कभी भी ना ये अपडेट वपडेट करते हैं तो अगर कोड फटे तो मैं फौरी तौर पर दोबारा इसको उठा के डंप कर सकूँ, ठीक है ना, एमरजेंसी के तौर पर ये जुमले मुझे रखने चाहिए। खैर तो अब हम इसको बिल्ड करते हैं, सेव मॉडल और बिल्ड मॉडल। अच्छा जी बिल्ड मॉडल हो गया मेरा, अब मैं यहां पर आता हूं और जाहिर है यही वाली डिशेस मैं क्या करूंगा, इसको मेन्यू में भी दिखाऊंगा। मुझे अब जाके अपने इंटेंट के अंदर इन जो हेलो इंटेंट है ना, हेलो इंटेंट को मैं क्या कर देता हूँ, शो मेन्यू मैंने इसको कर दिया। अच्छा क्या बोलेगा यूजर, यूजर बोलेगा प्लीज शो मी मेन्यू, व्हाट इज इन मेन्यू, ठीक है, यह सिर्फ मेन्यू बोलेगा। अच्छा व्हाट डू यू हैव, ठीक है, आई एम हंग्री, ठीक है, ये भी बोल सकता है यूजर। अच्छा जी इस वाले इंटेंट के अंदर क्या मुझे किसी स्लॉट की जरूरत है, नहीं, बस वो बंदा बोलेगा भाई आई एम हंग्री या शो मी मेन्यू, हम उसको सिंपल मेन्यू दिखा देंगे और हम उसके जवाब का इंतजार भी करेंगे, हम उसको पूरा मेन्यू दिखा के ना लास्ट में एक सवाल छोड़ेंगे कि विच वन वुड यू लाइक टू हैव, ये हम एक सवाल छोड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। अगर मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा और मैंने माइक फिर भी ओपन रखा तो अलेक्सा वाले रिजेक्ट मार देंगे, वो कहेंगे भाई कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, माइक फिर भी ओपन किया हुआ, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरे पास, ठीक है जनाब, इसको मैंने क्या कर दिया सेव, और सेव करने के बाद बिल्ड मॉडल दोबारा से प्रेस कर दिया। अब शो मेन्यू के अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदद हैंडलर चाहिए पीछे। अब ये हेलो वर्ल्ड इंटेंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे इसी को चेंज कर देता हूँ, शो मेन्यू हैंडलर कर देता हूं उसको, ठीक है जी, शो मेन्यू हैंडलर हो गया, ठीक है जी। और मैं नीचे जाके भी उसको क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कि अब ये शो मेन्यू हैंडलर है, शो मेन्यू हैंडलर है। अच्छा शो मेन्यू हैंडलर में मुझे क्या बताना चाहिए, इन द मेन्यू, अरे भाई क्यों बार बार लीव कर रहे हो, इन द मेन्यू, अबे क्यों मेरी स्क्रीन ही कंट्रोल करनी है, अल्लाह के बंदो पढ़ लो यार कुछ, इन द मेन्यू वी हैव कहाँ गया वो, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, वापस चलते हैं इंटेंट में ताकि हम उसको देख सकें। अच्छा भाई बीफ कबाब, मटन कबाब,
बीफ कबाब, मटन, अच्छा मटन का एम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं, मटन कबाब, सही है जी। चिकन का भी हम सी कैपिटल कर देते हैं, चिकन रेशमी कबाब, गोला कबाब, सीख कबाब, सही है। लास्ट में मैं क्या लगाऊंगा, एंड सीख कबाब, ठीक है जी। सीख कबाब का भी एस मैंने कैपिटल कर दिया, गोला कबाब का जी भी कैपिटल कर देता हूँ। सीख कबाब, गोला कबाब, अच्छा जी। अब इसके बाद मैं लास्ट में क्या ऐड करूंगा, विच वन वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, साथ में मुझे कार्ड भी भेजना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो स्क्रीन वाली डिवाइस पे अगर यूजर इस्तेमाल कर रहा हो तो मुझे हर रिस्पॉन्स के साथ कार्ड लाजमी भेजना चाहिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हर रिस्पॉन्स के साथ आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर भेजें जो स्क्रीन वाली डिवाइस पे उसको नजर आए यूजर को, ठीक है जनाब। तो मैं ये विद सिंपल कार्ड को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ जो ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था। अच्छा, रीप्रॉम्प्ट भी इसमें मुझे खोलना पड़ेगा, और मैं विद सिंपल कार्ड भी इसमें लगा देता हूँ, सही है। और इसमें हेडिंग में लगाता हूँ मैं मेन्यू, और हेडिंग में मेन्यू लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा रीप्रॉम्प्ट भी तो बनाना है ना, इसका रीप्रॉम्प्ट बना लेते हैं, ठीक है। रीप्रॉम्प्ट में मैं क्या लगा देता हूं, वी हैव से शुरू करता हूं, ठीक है, और लास्ट में मैं ये हटा देता हूं, ठीक है जी। लास्ट से मैंने हटा दिया वी हैव, बीफ कबाब, मटन कबाब, इस तरह करके लगा दिया, सही है जनाब। अच्छा, अब उसके बाद जो कार्ड के लिए मैं बनाऊंगा ना, वो मैं तीसरा अलग से बनाऊंगा, क्योंकि कार्ड में क्या होता है, एक हेडिंग होती है और नीचे टेक्स्ट होता है, तो नीचे का जो टेक्स्ट है ना उसमें कैसे आना चाहिए, वन डॉट और ऐसे डिश का नाम, फिर टू डॉट डिश का नाम, ऐसे आना चाहिए ना, तो मैं ऐसे करके बना देता हूं। अच्छा, तो मैं क्या कर देता हूं कि कार्ड का टेक्स्ट, ठीक है, कार्ड की हेडिंग तो मैंने यहीं पे लिख दी मेन्यू, ठीक है, ये आवर मेन्यू बल्कि ज्यादा सही रहेगा, आवर मेन्यू, और स्पीक आउट की जगह मैं क्या लिखूंगा अब, ये कार्ड का टेक्स्ट। अच्छा, कार्ड में मैं टेक्स्ट किस तरह से बनाऊंगा, वन डॉट और टू डॉट करके बनाऊंगा, सही है, वन डॉट। अच्छा, उसके बाद मैं कॉमा की जगह पे क्या लगाऊंगा, बैक स्लैश एन, जो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक, ठीक है, तो मैंने एक लाइन ब्रेक करके मैं नीचे वाली लाइन में आ गया, और मैं ये लाइन ब्रेक सबके बाद लगाऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैं लिखूंगा टू डॉट मटन कबाब, ये कॉमा वामा भट जाएगा हमारे पास, ठीक है, थ्री डॉट चिकन रेशमी कबाब, फोर डॉट सीख कबाब, और फाइव डॉट सीख कबाब, ठीक है, डॉट के बाद स्पेस होना चाहिए आई थिंक, ठीक है जनाब। चलाकर देखते हैं इसको क्या रिपोर्ट है इसकी, अबे एरर क्यों आ रहा है, हाँ रीप्रॉम्प्ट मुझे इसको बनाना था ना, रीप्रॉम्प्ट, सही है भाई, ठीक है। स्पीक आउट मैंने अलग बनाया, रीप्रॉम्प्ट अलग बनाया, कार्ड का टेक्स्ट। अच्छा, स्पीक आउट और रीप्रॉम्प्ट जो है ना ये एसएसएमएल में होना चाहिए असूलन, अभी हमारे पास वक्त की शॉर्टेज की वजह से हम उसको एसएसएमएल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी क्लास खत्म ही होने वाली है जल्दी, ठीक है जी। बिल्ड मॉडल में चूंकि कर चुका हूं तो अब मैं डायरेक्ट यहां से आके इसको क्या कह सकता हूं कि भाई शो मी मेन्यू, ओपन सैलानी वेलफेयर और शो मी मेन्यू, इनवोकेशन हम चेंज कर देंगे इसका, ओपन सैलानी वेलफेयर, वेलकम टू कबाब जीज, आई एम योर वर्चुअल। अच्छा, ये हमारा जो है ना कार्ड आया जो हमने वहां से भेजा था, देखो बोलने वाली बात अलग है, लिख के दिखाने वाली बात अलग है, और कार्ड अलग है, ये तीन चीजें हम भेज रहे हैं, सही है, और ये तीनों चीजें भेजना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बंदा मोबाइल के ऊपर चैट कर रहा हो तो कौन सा वाला जाएगा, वो ये लिखा हुआ जाएगा उसके पास। अगर बंदा मोबाइल से बोल रहा होगा
तो कार्ड आएगा और आवाज आएगी, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये तीन चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ बाय द वे बहुत कम जगहों पे ये लिखा हुआ दिख रहा होता है, ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, कार्ड होता है और आवाज होती है, ठीक है। क्योंकि अगर स्क्रीन वाली डिवाइस है, किचन में खड़ा हुआ, मैं किचन में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो मुझे कार्ड दिखेगा और आवाज आएगी। ये लिखा हुआ मुझे सिर्फ जब मोबाइल से चैट करूंगा जब दिखेगा, अदरवाइज मुझे नहीं दिखेगा। अच्छा जी, तो कार्ड बिल्कुल सही है, यू कैन आस्क फॉर मेन्यू। अच्छा, नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है ना अभी इसमें, कस्टमाइजेशन ये वाली नहीं रखी है, ये खुद डिसाइड करते हैं। एक्सेंट चेंज कर सकते हैं आप अपने पूरे ऐप का, वो हम कवर नहीं कर रहे अभी यहाँ पे, आप देख लीजिएगा अलग से एक्सेंट, इसमें एक दो एक्सेंट है शायद अलग अलग ना, एक डार्क एक्सेंट है, एक थोड़ा पता नहीं ब्राइट है, इस तरह दो तीन है। लेकिन ये कि आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई फोटो लगा दें या कुछ, उसके लिए इमेज का अलग से ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ इमेज दिखानी है तो आप इमेज दिखा सकते हैं, बट ये बैकग्राउंड रहेगा सेम, ये बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा। अच्छा, और एक ऑप्शन और भी हो सकता है, असल में जो अलेक्सा है ना स्क्रीन वाली, उसमें जो जिस बंदे का वो डिवाइस है, वो बंदा भी अपनी मर्जी का वॉलपेपर लगा सकता है, तो उसके केस में फिर वो आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा, ये डिफॉल्ट ऐसा होता है, लेकिन वो वॉलपेपर भी लगा सकता है। तो अगर उसने वॉलपेपर लगाया हुआ तो वो उसका वॉलपेपर इसके पीछे शो हो रहा होगा, ठीक है, उसमें, क्योंकि वॉलपेपर काफी सारे होते हैं बाय डिफॉल्ट उसके अंदर। अच्छा, तो मैंने कहा भाई शो मेन्यू एंटर। अच्छा, अब मेरे पास मेन्यू जो कार्ड दिखा है ना, वो इस तरह से दिख रहा है, सही है कार्ड, अच्छा लग रहा है कार्ड देखने में, अच्छा भाई। और उसने मुझे कुछ बोल के भी बात बता दी है, ठीक है, बोल के बाद जो बताइए वो सुनते हैं क्या बोला है इसमें। In the menu, we have beef kebab, mutton kebab, chicken rashmi kebab, gola kebab and seekh kebab. Which one would you like to order? सही है। तो एंटेंड हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, घर वादना होता है बहुत है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया, ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये मेन्यू जो लिखा हुआ है, आवर मेन्यू, उसमें हेडिंग छोटा है, नीचे का कंटेंट बड़ा है। इसका जवाब ये है कि दो बातें हैं इसके अंदर, दो बातें जो मैं कहना चाहूंगा। नंबर एक बात तो ये है कि अलेक्सा के अंदर ना आपको ये चीज रिक्वायर्ड होती है कि हेडिंग छोटी हो, कॉन्टेंट बड़ा हो, ये चीज रिक्वायर्ड है, ये गौर कीजिएगा इस बात को। क्योंकि अलेक्सा की जो ये वाली डिवाइस है ना, ये आमतौर पे बंदा दूर से उसको देख रहा होगा, हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि उसको दूर से देख रहा होगा, मतलब मैं तो लैपटॉप के सामने बैठा हूँ ना, लेकिन आमतौर पे बंदा क्या कर रहा होगा, इसको दूर से देख रहा होगा, किचन में खड़ा हुआ है, किचन में लगी हुई है डिवाइस, या बेडरूम में, अगर आमतौर पर लोग इसको लिविंग एरिया में लगाते हैं, लिविंग एरिया मतलब हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है लिविंग एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना, बट ऐसे वेस्ट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके घर में एक ऐसा एरिया होता है, उसको लिविंग एरिया कहते हैं, एक बेडरूम होता है। अब हमारे यहाँ मेरे साथ भी खास तौर पे, क्योंकि मेरे घर पे भी लिविंग एरिया नहीं है, बेडरूम है और डायरेक्ट किचन विचन है, दूसरे रूम्स है, ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है। उसका नतीजा ये होता है कि मैं उठता हूँ ना, जब तो उठते के बाद फिर मैं बोलता हूँ यार चल थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, बेड पे ही लेटा रहता हूँ, टीवी देख लिया थोड़ा, अब वो दो घंटे गुजर जाते हैं, जाया हो जाता है। गोरे क्या करते हैं, जैसे ही उनकी आंख खुली ना, वो बेडरूम से फौरन बाहर निकलते हैं, वो बेडरूम सिर्फ जाके वॉशरूम यूज करेंगे और बेडरूम से सीधा बाहर, वो बेडरूम में नहीं आते, वो लिविंग एरिया में उन्होंने सोफे वोफे लगाए हुए होते हैं, उनका एक मतलब एक क्या उसको कहेंगे, एथिक्स है, वर्क एथिक्स है उनकी, तो वो इसका बेनिफिट ये होता है कि नींद फौरन गायब हो जाती है। लिविंग एरिया में फिर उन्होंने ना एंटरटेनमेंट का सारा आइटम रखा हुआ होता है, मतलब टीवी है, ये इस तरह के अलेक्सा की डिवाइस है, कोई अगर स्पीकर लगाया है, कुछ लोगों को स्पीकर्स का शौक होता है, अच्छे वाले स्पीकर लगाए हैं यामाहा के किसी के, तो वो लिविंग एरिया में वो लोग लगाते हैं, ठीक है, लाइट म्यूजिक के लिए छोटे स्पीकर भी लगाते हैं। इसी तरह वो किचन जो होता है वो लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने होता है, कि वहां से कुछ पक के आ रहा है ना, तो वो यहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह, हाँ कम होता है बहुत, इतना मतलब लाउंज भी उस तरह का नहीं होता है कि वहां पे काउच वगैरह लगे हुए सोफे आमतौर पर। तो वो लोग क्या करते हैं, दिन का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो कहाँ गुजारते हैं, लिविंग एरिया। अगर कोई बंदा घर में होगा ना और दिन का वक्त है, तो वो बेडरूम में नहीं होगा, वो लिविंग एरिया में होगा, बेडरूम में वो जब जाएगा जब उसको सोना होगा, उसके अलावा वो बेडरूम में नहीं जाएगा, गोरे का ये तरीका है। अच्छा, तो बात कहां से निकली थी, हाँ बात यहां से निकली थी कि हम एज्यूम ये करना चाहिए हमें आमतौर पे, और अलेक्सा वालों ने भी एज्यूम किया हुआ है कि इस डिवाइस को जो बंदा देख रहा होगा ना, दूर से देख रहा होगा, तो इसमें हमें कॉन्टेंट चाहिए बड़ा,
छोटा छोटा अगर हमने लिख दिया ना तो बड़ा मसला है। अच्छा हेडिंग आमतौर पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग अगर उसको नहीं भी दिख रही ना तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो कंटेंट हम उसको दिखाना चाह रहे हैं ना वो उसको दिखना चाहिए। ये HTML जब पढ़ते हैं ना, HTML तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमने JavaScript से शुरू किया, तो HTML में भी ना ये डिजाइन गाइडलाइन के तौर पे हम ये चीज पढ़ रहे होते हैं। जो डिजाइन हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, तो HTML में अगर आप होते तो ये भी चीजें डिस्कस करते कि सम टाइम हम ये चाहते हैं कि बंदा ना पेज को ऊपर से पढ़ना शुरू करे और ऊपर से नीचे आए, और सम टाइम हम ये चाहते हैं कि बंदा पेज को नीचे से पढ़ना शुरू करे और ऊपर जाए, सही है? तो ये हम कर सकते हैं, ये डिजाइन के थ्रू इसको, ये वही तरीका है। आप जब भी इस पेज पे नजर जाएगी ना आपकी, तो आपकी जो पहली नजर पड़ेगी वो पड़ेगी बीफ कबाब के ऊपर, पहली नजर पड़ेगी मेन्यू के पहले आइटम पे, हेडिंग की तरफ नजर जाएगी सबसे आखिर में कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ, और हेडिंग हर दफा आएगी सेम। अच्छा एक तो हो गई बात ये कि ये रिक्वायर्ड है, दूसरी बात ये हो गई कि कुछ केस में अगर आपको वाकई ऐसा चाहते हैं कि हेडिंग बड़ी हो और नीचे का कंटेंट छोटा हो, तो उसके लिए इसमें मुख्तलिफ कार्ड मौजूद है। एक इसमें ऐसा कार्ड भी मौजूद है उसमें 6 सब हेडिंग्स हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक है। एक तो ये बेसिक कार्ड है ना, एक इसके अलावा भी कार्ड है, वो हम जब रिच रिस्पॉन्सेस पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था वो, तो उसमें 6 हैं टोटल। तो आप उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा आप चाहें बना सकते हैं। बहरहाल स्टिल बिल्कुल आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है उन्होंने एक डिजाइन एक हिसाब से बनाया हुआ है, और हर डिजाइन में काइंड ऑफ आपको ऐसा जरूर मिलेगा कि हेडिंग छोटी होगी थोड़ी सी। अगर ये जो नीचे का कंटेंट है ना 1 से लेकर 5 तक, अगर मैं इस कंटेंट को बहुत ज्यादा कर दूं ना तो फिर ये छोटा हो जाएगा, हेडिंग बड़ी हो जाएगी। दो कार्ड नहीं होंगे, कार्ड एक ही होगा, ठीक है? इसके कार्ड की भी फिर लिमिट है कि एक कार्ड में जो कंटेंट है वो इतने कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम, हेडिंग जो है वो इतने कैरेक्टर की होती है मैक्सिमम, वो सब डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पूरा कार्ड नहीं बनाएंगे ना। देखो ये भी अच्छा सवाल किया इसने कि भाई मेन्यू तो भाई 200 डिशें होती हैं लोगों के पास। अच्छा ये भी एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में ना 200 डिशेज होती हैं। दुनिया भर में ना किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना आपको 10-12 डिश से ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा 10-12 डिश में से भी क्या होगा, वो भी 3 जगहों पर डिवाइडेड होगी, तो एक वक्त में ना वो 3 डिशेज बनाएगा, 3 या 4, उससे ज्यादा वो बनाएगा ही नहीं, ये तरीका ही नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में 200 डिश होती है ना वहां जाता ही कोई नहीं है, उनको पता है ये सब कचरा बना रहा है। अब हमारे यहाँ लेकिन ये चीज राइज है, लेकिन अच्छा आमतौर पर क्या होता है दुनिया में, जब आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो वो आपको रेस्टोरेंट में ना लिखा हुआ होता है, यहाँ पे कुछ जगहों पे, एक दो जगहों पे, यहाँ पे भी है वैसा कि रेस्टोरेंट के ना गेट पे लिखा हुआ होता है कि सुबह का नाश्ता इतने बजे से इतने बजे तक होता है ना, हलवा पूरी का टाइम होता है, सुबह का नाश्ता इतने बजे से इतने बजे तक। अब अगर आप उस टाइमिंग पर गए हैं ना तो आपको सिर्फ नाश्ते वाले आइटम मिलेंगे, दूसरा कोई आइटम नहीं मिलेगा आपको। वो जो मेन्यू ला के देगा ना उसमें 3 ही लिखा हुआ होगा, एक होता है 3 कोर्स, एक होता है 4 कोर्स। अब 3 कोर्स में क्या होगा, आपको सबसे पहले वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करेगा, जो भी उनके पास ड्रिंक है, मशरूबात है, जो भी है, वो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक आपको सर्व करेगा। उसके बाद फिर जो उनका एपेटाइजर है वो आपको सर्व करेगा। मिसाल के तौर पर सुबह के नाश्ते में एपेटाइजर क्या हो सकता है, लंच में एपेटाइजर क्या हो सकता है, सूप वगैरह होता है, अगर ठंड के दिन है तो सूप एपेटाइजर में पेश करता है, वो एपेटाइजर देगा आपको। उसके बाद देगा मेन कोर्स, जो मेन कोर्स मिसाल के तौर पर आपने कढ़ाई खानी है तो मेन कोर्स लाके देगा। उसके बाद चौथा आइटम जो होगा वो होगा डेजर्ट, ठीक है? अच्छा जो 3 कोर्स होगा ना उसमें शुरू वाला ड्रिंक नहीं होगा। समटाइम लोग ना 3 कोर्स लेते हैं या 4 कोर्स लेते हैं, तो वो उसमें शुरू वाला ड्रिंक प्लस माइनस हो सकता है, या एपेटाइजर समटाइम प्लस माइनस हो जाता है, तो 3 कोर्स और 4 कोर्स वाला गेम चल रहा होता है। अब आप अगर जाएंगे ना किसी रेस्टोरेंट में, जो सुशी रेस्टोरेंट है, तो वहां पे ना लंच के अंदर सिर्फ सुशी होगा आपके पास, वो कहेगा भाई ये 4 कोर्स हैं और ये 3 कोर्स है। अच्छा सुशी में समटाइम वो 3 तरह के सुशी बना रहा होगा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा उसके पास। फिर डिनर का आइटम अलग होता है, तो आपका जो आमतौर पे जो मेन्यू, अच्छा मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो ऐप बना रहे होंगे वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को इसका अभी पता नहीं है, और अगले 2 सालों में भी शायद पता ना चले, हो सकता है चल भी जाए। गोरों को पता है, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो पैसे भी देंगे आपको, काम भी करवाएंगे। तो उनका जो मेन्यू होता है ना वो कैसा होता है, वो होता है 3 जगह डिवाइडेड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अच्छा इसमें आमतौर पर उन्होंने 3 मेन्यू बनाए हुए होते हैं अलग अलग, वो सुबह के टाइम अलग मेन्यू बांट रहे होते हैं, शाम के टाइम अलग, कुछ सस्ते वाले वो एक ही में 3 कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होगा, आप टाइम देख सकते हैं, टाइम अभी क्या हो रहा है उसके हिसाब से आपने कंडीशनल या तो ब्रेकफास्ट भेजा या तो लंच भेजा।
उसने कहा यार व्हाट इज इन मेन्यू, आपने कहा यार इन लंच, ताकि उसको पता चल जाए लंच का टाइम है ये। अच्छा फिर एक इंटेंट और भी होगा कि व्हाट इज योर टाइमिंग, वो सामने से बताएगा कि यार वी स्टार्ट आवर रेस्टोरेंट एट 6 AM, सुबह खुलते हैं 6 AM पे खोलते हैं गोरे 6 AM, ब्रेकफास्ट का 6 AM से लेके कब तक है 9 AM, 9-10 तक वो उनका ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ 12-1 बजे तक रहता है, थोड़ा टाइम हमारा अलग है, ठीक है। अच्छा उसका बाई दबे बहुत सॉलिड रीजन है, वो बहुत सारे लोग ना ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई पूरे तो 5 बजे उठ जाते हैं, भाई 5 बजे वहां पे सर पे सूरज भी खड़ा होता है, ठीक है ना। वहां सुबह के 6 बजे 5 बजे बहुत सारे वेस्ट के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं कि सुबह के 6 बजे वहां पे सूरज सर पे खड़ा होता है, और हमारे यहाँ जो हालत 1 बजे होती है ना दोपहर को, वहां पे वो 9 बजे हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत सॉलिड रीजन भी है जिसकी वजह से वो 5 बजे 6 बजे उठते हैं। अब हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है कि सूरज 8 बजे निकलता है, 8 बजे फुल ऊपर जाके खड़ा होता है। कभी संडे वनडे को हम चले जाते हैं सीवीयू पे, तो फुल कड़क जो धूप निकलती है ना वो 8 बजे से पहले नहीं निकलती, 8 बजे से पहले मध्यम मध्यम सा आ रहा होता है। तो एक ये टाइम डिफरेंस भी है, थोड़ा सा डायनेमिक्स हमारे चेंज है, अलग है थोड़े से। अब फिर उसके बाद लंच का, उसके पास एक मेन्यू होगा, वो बताएगा लंच भाई इतने बजे से इतने बजे तक, आप आधे घंटे भी लेट गए ना तो आपको लंच नहीं मिलेगा, खत्म कर देते हैं, ठीक है। लंच में भी क्या होगा, 2-3 अलग अलग डिशेज होंगी जो उसकी स्पेशलिटी है। अगर कोई फ्रेंच रेस्टोरेंट तो फ्रेंच, उनके पास 2-3 डिशेज होंगी लंच में जो खाई जाती है ज्यादा, उसके बाद और नहीं होगा। ये नहीं कि इंडियन भी रखा हुआ है, पाकिस्तानी भी रखा हुआ है, फ्रेंच भी, ये वाले जो होते हैं ना जो सब रखा हुआ है जिन्होंने, उसको ये कहते हैं कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट। कॉन्टिनेंटल का मतलब है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट के आइटम उसमें आपको मिलेंगे, तो उसमें होती है फिर 200 डिशेज। मगर उसका भी केस ये होता है कि उसके स्टॉल अलग अलग होते हैं और उसमें ज्यादातर सेल्फ सर्विस होती है कि आप एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, एक काउंटर वहां लगा हुआ है, एक काउंटर वहां लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, तो आप उस काउंटर पे जाते हैं और वहां पे जाके आप सेल्फ सर्विस कर रहे होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल होता है ज्यादातर वो बूफे वगैरह में चला रहे होते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि आप डिशेज मंगवाए, वो ज्यादातर बूफे होता है कि भाई आओ जो खाना है। अच्छा जी, तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि भाई वेस्ट में आमतौर पर मेन्यू किस तरह का होता है, तो उसमें 3-4 आइटम से ज्यादा नहीं होता। अच्छा हमारे केस में अगर, अभी सवाल का एक आखिरी हिस्सा रह गया कि हमारे केस में अगर 200 मेन्यू है तो क्या करें, तो हम ये करेंगे कि शुरू के 5 दिखा देंगे कार्ड में, यहाँ ये कैटेगरीज दिखा रहे हैं। अभी जो मैंने जो बनाई है उसके अंदर मैंने इसी तरह किया कि वो कैटेगरीज दिखाता है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि यार प्लेस ऑर्डर, तो वो कहता है कि वी हैव ब्रेकफास्ट, वी हैव बारबेक्यू, वी हैव नॉन वेज और वेज, वी हैव डेजर्ट, तो विच वुड यू लाइक टू सेलेक्ट, तो वो कहता है डेजर्ट सेलेक्ट करना है, या कहता है नॉन वेज, तो नॉन वेज में फिर कढ़ाई वगैरह चिकन कोरमा ये चीजें वो फिर आ जाती हैं, तो थोड़ा सा उससे वो मिनिमाइज हो जाता है, एक टाइम पर 200 नहीं आता। तो इस तरह के मुख्तलिफ अप्रोचेज हो सकते हैं जिसके जरिए आप ये चीजें हैंडल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। अच्छा भाई अब हमें बनाना है तीसरा इंटेंट, तीसरा इंटेंट क्या होगा हमारा, 10 मिनट क्या हो जाएगा 10 मिनट से, और न्यू ईयर में बंदी इंतजार कर रही है तुम लोगों का। अच्छा तो अच्छा डिस्कस तो कर लो तीसरा इंटेंट होगा क्या, तीसरा इंटेंट क्या होगा। वो बंदा बोलेगा कि भाई गिव मी नंबर 1 या गिव मी बीफ कबाब, ये बोलेगा वो। अच्छा जब वो बीफ कबाब बोलेगा तो जाहिर है मुझे स्लॉट वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस तरह से बोलेगा। अच्छा अगर बंदा कुछ भी ना बोले, बंदा कहे प्लेस ऑर्डर, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा, वो कह रहा प्लेस ऑर्डर, तो हम फिर उसको क्या बोलेंगे कि भाई इसमें से सेलेक्ट तो करो, कोई रीप्रॉम्प्ट देंगे उसको, ठीक है ना। जब वो हम ये पकड़ में आ जाएगा कि बीफ कबाब है, तो फिर हम क्या करेंगे उसको कार्ट में ऐड करेंगे। अच्छा कार्ट हमें कैसे बनाना पड़ेगा, कार्ट हम कैसे बनाएंगे, कार्ट के लिए हमें चाहिए होगी बंदे की ईमेल या तो सेशन। देखो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है सेशन आईडी। सेशन आईडी क्या चीज होती है कि मैंने बात करना स्टार्ट किया, मैं बोलता जा रहा हूं, एक सेशन आईडी चलती रहती है उसमें, जैसे ही मैंने बोलना छोड़ा ना 5-6 मिनट में वो सेशन आईडी एक्सपायर हो जाती है। अब जब मैं दोबारा अपने स्किल से बात करूंगा ना, तो सेशन आईडी क्या होगी, नई जनरेट होगी, न्यू सेशन आईडी बन जाएगी, ठीक है। तो सेशन आईडी को भी हम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डेटाबेस में एक बना दें एंट्री कि भाई इस सेशन आईडी से ये बातें बोली जा रही है, ये भी हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, चूंकि बंदा लॉग इन होता है, एलेक्सा के ऊपर बगैर लॉग इन हुए आप बात कर ही नहीं सकते,
क्योंकि बंदा लॉग इन होता है तो उसके ईमेल को भी हम एज अ कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल इस्तेमाल करने से हमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो 5-6 मिनट के बाद भी आए ना, अगर मतलब स्किल से बात की छोड़ के चला गया फिर दोबारा आ गया तो भी उसका कार्ड खराब नहीं होगा, कार्ड उसका सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट हमें ये होगा ईमेल इस्तेमाल करने का कि बाद में वो अपना ऑर्डर चेक भी कर सके कि भाई ईमेल है ना, ऑथेंटिकेशन है, हर दफा सेम रहेगी ईमेल। अगर हम सेशन आईडी से बनाते हैं तो हम बाद में उसको चेक कैसे करवाएंगे, वो कहेगा भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, कि प्रिपरेशन है क्या है जो भी है, तो हमें तो पता ही नहीं होगा क्योंकि सेशन आईडी तो एक्सपायर हो गई, अब नई जनरेट हुई, हमें क्या पता ये कौन बंदा है जो पूछ रहा है ऑर्डर के बारे में। ठीक है ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उस इंटेंट पे हम उसकी ईमेल को भी गेट करेंगे या उसका नाम गेट करेंगे या कोई ना कोई ऐसी यूनिक आईडी उसकी गेट करेंगे जिसके जरिए हम बाद में भी 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद भी उसको हम जब वो पूछे ना कि भाई मेरे ऑर्डर का क्या सीन है तो वो मैं उसको ट्रैक कर सकूंगी, अच्छा ये वही बंदा है जो उस टाइम आया था। ठीक है जी, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम तीसरा इंटेंट बनाएंगे इसका 5 levels of leadership एक वीडियो है 5 levels of leadership उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, वो तुम लोग सारे वही हो, मोस्ट ऑफ, सारे तो नहीं, खैर सारे नहीं कहूंगा मैं क्योंकि कुछ लोग सुकून से भी बैठे हैं चलो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में एक तीसरा इंटेंट बनाएंगे जिसमें ये चीजें हम सारी करेंगे। प्राइस भी ऐसे ही वो मिस हो गई और वो